इस वेले की बड़ी खबर आ रही है श्री कीरतपुर साहब तो, जिथे एक ट्रक श्री आनंदपुर साहब हाइडल नहर दे विच गिर गया है। देर रात यह मामला दसया जा रहा है कि देर रात ट्रक इस नहर तो हुंदा होया अपने घर वल नूं जा रहा सी ते श्री आनंदपुर साहब सीमेंट खाली करके वापस परत रहा सी ते रात नूं देर रात यह हादसा वापरिया है। राहत की गल यह रही है कि जो ट्रक चालक है वह अपनी जान बचा के ट्रक तो बाहर नहर तो बाहर निकल गया, पर ट्रक फिलहाल हजे नहर दे विच ही है। बड़ी खबर कीरतपुर साहब तो आ रही है इस वेले, जिथे एक ट्रक नहर दे विच गिर गया। श्री आनंदपुर साहब हाइडल नहर दे विच ट्रक गिर गया, उसनू ट्रक नू कढ़न दे लई रेस्क्यू टीमां पहुंच चुकियां ने। मौके ते रेस्क्यू चल रहा है ते ट्रक नू बाहर कढ़न दी कोशिश कीती जा रही है। कीरतपुर साहब दे विच एक दर्दनाक हादसा होया जिस दे विच एक ट्रक नहर दे विच गिर गया है। बधेरे जानकारी लई साडे नाल सहयोगी कीरतपुर साहब तो मनीष परवाह जुड़ गए ने। मनीष, जानना चाहवांगे एक ट्रक हादसा होया, नहर दे विच ट्रक गिरिया, की है पूरा मामला? जी राकेश जी, बीती रात का जिहड़ा हादसा दसा जा रहा है, तकरीबन रात को 12:30 बजे के करीब जिहड़ा है हादसा वापरिया है। देनी तो ट्रक चालक जिहड़ा है वह दसा जा रहा है, जो कि आनंदपुर साहब विखे सीमेंट खाली करके नहर की पट्टी श्री आनंदपुर साहब हाइडल नहर चैनल नहर के किनारे जा रहा है। रात तकरीबन 12 बजे के करीब उसका जिहड़ा ट्रक है वह संतुलन खो बैठा, बेकाबू होकर नहर के डिग गया। मौके पर ड्राइवर ने खिड़की तोड़ के शीशा तोड़ के अपनी जान बचाई है, ते बाहर निकले ते पैदल वो नक्कियां जाके किसी नाल उन्हें कॉन्टेक्ट किया ते अपने घर वाले नूं इस संबंधी ये घटना संबंधी पूरी जानकारी दी। अज मौके ते सवेर तो जिहड़ी है ट्रक की जिहड़ी भाल है वो जारी है, ते कमलप्रीत सैणी अपनी गोताखोर टीम दे नाल ते होर प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े भी है वह पहुंचे हैं उत्थे, ते ट्रक दी भाल जिहड़ी कर रहे हैं। ट्रक 6 टायरी जिहड़ा है ट्रक दस्सिया जा रहा है। जी मनीष, यह भी जानना चाहवांगे जो हादसे का कारण वो की दस्सिया जा रहा है, क्यों हादसा वापरिया है? जी देख लो तो यह वैसे जिहड़ा हादसा है ये टोल पर्ची बचाने की खातर जिहड़ा ट्रक ड्राइवर नहर हाइडल नहर के किनारे आ रहा है, पटरी तो आ रहा है। पटरी के उत्ते जिहड़ियां झाड़ियां बूटियां उगियां हुई हैं, बरसाती मौसम होने कारण जिहड़ा रास्ता है वह भी बिल्कुल सही नहीं है, ड्राइवरी दे अनुकूल नहीं है। इस करके वो जिहड़ा है ट्रक संतुलन अपना खो बैठा, ड्राइवर दे मुताबिक उसका स्टेयरिंग फ्री हो गया, जिस तो बाद बेकाबू होके वो ट्रक जिहड़ा है नहर दे विच डिग गया। जी मनीष, जिस रोड उते ट्रक जा रहे सीगा कि रोड अक्सर ट्रक वगैरह इस रोड ते जांदे ने जां इह ट्रक कल्ला ही उस रोड ते जा रहा? जी मौके ते मौजूद एक अधिकारी ने दस्सिया कि पहला भी जिहड़ा है टोल प्लाजे की पर्ची नूं बचाउण दे चक्कर दे विच जिहड़े कोई ड्राइवर है वह अपनी जान जोखम दे विच पा के इस नहर की पटरी नूं रस्ता बना के अपने अपने पिंडां नूं या अपने रस्ते दौरान जाते हैं, तो यह जिहड़ी पर्ची बचाउण दे चक्कर विच अपनी जान जोखम विच पा लैंदे हन। पहलां भी पिछले 4-5 सालां दे विच 9 तों 10 गड्डियां जिहड़ियां है वह नहर दे विच डिग चुकियां हन। यह एक आम रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इस नूं कट आउट दे तौर ते यूज करके ड्राइवर जिहड़े ज्यादातर इधरों जांदे हन। जी बिल्कुल, टूल नूं बचाण दे मकसद दे नाल इह रूट चुनिया गया ते हादसा हो गया। ते मनीष, इह भी जानना चाहांगे जो इस समय रेस्क्यू टीम लगी हुई है वह किस प्रकार काम कर रही है, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है, किस प्रकार के उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, क्योंकि तुसीं स्पोर्ट ते देखिया जाके किस प्रकार टीम काम कर रही है? जी वह कमलप्रीत सैणी की जी टीम है बड़े वधिया तरीके दे नाल वो लगे हुए हैं, ट्रक की जी भाल है वह जारी है, तो उन्होंने वालों जोड़े शलिंग वगैरह है कुंडियां वगैरह है ट्रक में पा दी गई हैं, तो मौके पर हाइड्रा जेसीबी होर जड़िया गड्डिया है राहत वाली गड्डिया मंगा के ट्रक में कढ़ने की कोशिश जारी है, लगातार जी कोशिश वो कर रहे हैं। इस तो बाद कई प्रशासनिक अधिकारी भी उत्थे पहुंच रहे हैं। वड्डा हादसा जिहड़ा है रात तो यह वापरिया है, इस विच जिहड़ी है जिहड़ी खुश नसीबी रही है कि किसी की जानी नुकसान जिहड़ा इहदे विच नहीं होया। जी बिल्कुल, मनीष राह दी गल रही है कि जो ट्रक चालक सीगा वह अपनी जान बचा के ट्रक तो बाहर निकल गया, पर वड्डा हादसा किते ना किते टल गया है। पर फिलहाल जरूरत है अजिहे रोड जिस रोड उत्ते ट्रक वगैरह टूल बचाने दे मकसद दे नाल जांदे ने इन्हां रोडां उत्ते बैरीकेड लगाउण दी तां जो इस तरह के हादसे ना हो सके। मनीष, ਬਥੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਸੀਮਟ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਣੀ ਮਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਜੀ ਨੱਕੀਆਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਕੜਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ।